तो भाई स्कैम हो गया हमारे साथ पेट्रोल का, 250 का पेट्रोल डलवाया, बिल्कुल पेट्रोल ही नहीं है। अभी चेक करवा रहे हैं, मशीन सही बता रही है कि नहीं। अभी हमने मैनेजर के पास कंप्लेन कर दी, ये देख लो। रेडी हो गए पापा, चलते हैं। मैं अपनी बाइक से आऊँगा, पापा अपनी स्कूटी से। बस प्लान में हो गया चेंज, पापा कह रहे हैं कि मेरे साथ ही चलो स्कूटी पे, वहाँ से मेट्रो साथ जियो भी सही है। बाइक हेलमेट लेते हैं अपना, चलते हैं पापा के साथ। एलआईसी जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। तो गाइस मैं आ चुका हूँ मेट्रो स्टेशन, अब चलते हैं। मेट्रो से घर जाना पड़ेगा, ये भी लेके घूमना पड़ रहा है। तो गाइस पहले अपना स्मार्ट कार्ड रिचार्ज कर लेते हैं। रिचार्ज सक्सेसफुल हो गया, अब चलते हैं। राजीव चौक पे भीड़ देखो। मयूर फेस वन भी उतर गया हर बार की तरह, अब चलते हैं बच्ची के घर पे, और बच्ची के साथ ही चलेंगे फिर अपने घर पे, क्योंकि बाइक तो है नहीं, यहाँ से ई रिक्शे में या फिर ऑटो में जाना पड़ता, तो बच्ची के साथ ही चलेंगे। और मेट्रो स्टेशन पे आ गया हूँ, बच्ची भी आने वाला है, फ़ोन कर दिया मैंने यार, मेरा वो बहुत देर से वो लड्डू खाने का मन कर, पूछता हूँ कितने का। जो 1 रुपये 2 रुपये का मिलता था बच्चे में, वही नारियल वाला मिलता है। आज भी चाय बनाएंगे सुबह सुबह खाना, यहीं से पैक करवा लेते हैं, भटूरे और पनीर की सब्जी खाएंगे। तो हमने पैक करवा लिया छोटे भटूरे, स्कूटी वगैरह कुत्ते के लिए भी, टोने के लिए भी दूध देना पड़ेगा, तो दूध लेके फिर चलते हैं लेकर, फिर खाएंगे। सो गाइस हम टोनी के लिए लेके आए हैं बिस्किट, और अपने लिए भोले चटूरे। गो टोनी। गाइस 5:30 हो गए और ये बंदा भी ब्रश कर रहा है, कोई मैनर्स कोई एडिकेट्स नहीं, और इसको भी इसने अपनी तरह बना दिया, दिन भर खाना और आलस करना। तुम्हें नाक पे क्या लगा हुआ है? कुछ खा के आया होगा। पूंछ क्यों हिला रहा है? मतलब पूंछ क्यों हिला रहा है? पूछ रहे तो मालिक तो तू है ना, तेरी सुनेगा, पूछ बताएगा तुझे। अरे वो भाई साहब वो मैं ना पूछ इसलिए।
क्यों नहीं? ये तो अपनी पूछ पकड़ रहा सो गाइस हम रेडी हो चुके हैं जाने के लिए। विक्की भी रेडी हो गया नहा के, आ गया आ रहा है, लेते हैं चलते हैं घर अपने। तो विक्की भी जा रहा है मेरे साथ घर, इस बेचारे को अकेले रहना पड़ेगा। टोनी बाय बाय। तो भाई स्कैम हो गया हमारे साथ पेट्रोल का, 250 का पेट्रोल डलवाया, बिल्कुल पेट्रोल ही नहीं है। अभी चेक करवा रहे हैं, मशीन सही बता रही है कि नहीं। अभी हमने मैनेजर के पास कंप्लेन कर दी, तो सही है यार भाई, रीडिंग नोट कर लो, मेरा नाम राजीव है। तू इसमें तू ऑन कर वो 0 पे किलोमीटर। नहीं पेट्रोल कितने डाला है? 5 लीटर पहले 100 का फिर भाई पता नहीं क्या किया इन लोगों ने। पहले तो पेट्रोल बिल्कुल 250 में हमारी गाड़ी में, मतलब पेट्रोल था थोड़ा बहुत, लेकिन 250 का डालने का तब भी बिल्कुल मीटर शून्य दिखा रहा है कि मतलब पेट्रोल है ही नहीं। तो चेक करवाया तब भी सही आया, क्या पता 5 लीटर में टाका ना मार रखो। हम इनका स्कैम हम नहीं समझ सकते भाई। हमने तो मैनेजर तक को कंप्लेन करी, जो भी होना था बस यही चेकिंग का बोला कि चेकिंग करवाए थे, मीटर कोई दिक्कत हो तो फिर पेट्रोल डलवा लेंगे, कि चेकिंग में कुछ निकला ही नहीं। क्या करें यार, सुबह इसमें घर पहुँचा। अरे वो लड़ाई हो गई थी पेट्रोल पेट्रोल बम वाले, कम दे दिया पेट्रोल। खाना लगा दो जल्दी से, सुबह से कुछ नहीं खाया। सही थी ना 5 लीटर का, उसने बोला 5 लीटर में आपको दिखा दे। जिस तरह से उसने पेट्रोल डाला उस तरह से डाल के दिखाता पहले 100 फिर 20, खैर वो भी पूरा आ जाता है। वो भी था उसने स्कैम तो करी दिया, और ऐसे रोज करता हूँ। सो गाइस खाना पीना खा लिया, अब सोते हैं। इस ब्लॉग को करते हैं पेंड। होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, कीप सपोर्टिंग।